camera. So class, if you will see the screen, you can see that time topic is going on. Before that, we have completed. Before I told you that today we are starting your next topic, that is a time measurement. So in that time measurement, we have started the topic about time measurement. I told you before previous lecture that time measurement is the measure by the rotation of the earth around the sun. जो आपका टाइम मेजरमेंट होता है वो हम हमारे जो अर्थ जो कर रहा है अपने रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस में उसके अकॉर्डिंग होता है. इन प्रीवियस मीटिंग में मैंने आपको समझाया था कि रोटेशन के अकॉर्डिंग वन रोटेशन कंप्लीट होने पर आपका वन सोलर डे होता है. ठीक है, तो वन सोलर डेज में आपके 24 आवर्स हम बोल सकते हैं होते हैं. आपके 24 आवर्स में आपका 12 आवर्स का आपका डेज होता है एंड 12 आवर्स का आपका. सो आई टोल्ड यू दैट टाइम बी मेजर्ड इन आर डिफरेंट यूनिट्स. ठीक है, टाइम आपका डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में मेजर होता है, बट जो आपका स्पेशल यूनिट सिस्टम है दैट इज योर एसआई यूनिट सिस्टम. जो एसआई यूनिट सिस्टम है उसमें टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकेंड होती है, जो मैंने आपको पहले बताया था. ठीक है, सो सेकेंड इज द टाइम एसआई यूनिट. आफ्टर दैट बिफोर द प्रीवियस क्लासेज आई टोल्ड यू दैट आपकी सभी यूनिट्स की क्या होती हैं, सब यूनिट होती हैं, सब मल्टीपल यूनिट एंड सब मल्टीपल यूनिट्स भी होती हैं. यू कैन सी हियर, ये मैंने आपको पहले भी टॉपिक पढ़ाया था कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 डे में 24 आवर होते हैं. ये पूरा आपको बताया था प्रीवियस मीटिंग में. ठीक है, सो आज का जो मेन टॉपिक है वो है आपका स्टॉप क्लॉक, ध्यान रखना. सो आपका जो टुडेज टॉपिक इज हाउ वी मेजर द टाइम, कि हम टाइम को मेजर कैसे करते हैं. तो टाइम को मेजर करने के लिए आपके अलग अलग डिवाइस आते हैं, एज लाइक यू कैन सी हियर योर स्टॉप क्लॉक. सो स्टॉप क्लॉक के बारे में आपकी बात की जाए तो आपने स्टॉप क्लॉक देखा होगा. हियर ऑल्सो इट इज रिटन दिस वॉज यूज टू मेजर द टाइम टेकन टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट टू कम्प्लीट एथलीट एन इवेंट. मीन्स जो स्टॉप क्लॉक है उसका यूज हम आपका जब आप बड़ी क्लास में जाओगे कोई एक्सपेरिमेंट करते हो देन वी यूज दैट स्टॉप क्लॉक. या एथलीट इवेंट में, एथलीट जब कोई इवेंट करते हैं या जैसा आप आजकल देख रहे होंगे ओलंपिक चल रहे हैं उसमें जो एथलीट रन करते हैं ट्रैक में, तो उसके टाइम मेजर करने के लिए हम स्टॉप क्लॉक का यूज करते हैं. ठीक है, स्टॉप क्लॉक का यूज क्यों करते हैं, बिकॉज ये स्टॉप क्लॉक आपका क्या होता है, स्टॉप क्लॉक का यूज इट कैन मेजर लेस देन अ सेकेंड, इट कैन नॉट बी मेजर द लेस देन अ सेकेंड. ये आपका सेकेंड से कम का टाइम मेजर नहीं कर सकता है. नाउ डेज इट इज रेयर टू यूज. सो इसका यूज आजकल क्या हो गया, बहुत कम हो गया है. और वी यूज इट एट दोज प्लेसेस वेयर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड डज नॉट मैटर एनी डिफरेंट. कि जहाँ आपका देखो सेकेंड से भी आपके छोटे यूनिट्स होती हैं टाइम की, तो जहाँ इन छोटे यूनिट का यूज नहीं होता है ठीक है वहाँ आप स्टॉप क्लॉक का यूज कर सकते हो. पर जहाँ आपका इससे छोटी यूनिट भी मेजर कर सकते हैं आप ठीक है वहाँ आप आपका अदर डिवाइस यूज करते हो. सो स्टॉप क्लॉक का यूज हम सिर्फ वहाँ कर सकते हैं जहाँ आपका सेकेंड तक मेजरमेंट होता है. ठीक है, सेकेंड से ज़्यादा आपका मेजर करना है, सेकेंड से लोएस्ट सब मल्टीपल यूनिट, तो आपको अदर यूनिट मेजर अदर डिवाइस यूज करने पड़ेंगे. जो स्टॉप क्लॉक है इसमें कैसे मेजर किया जाता है, यहाँ पे लिखा है लाइन में दिस कैन बी मेजर, दिस कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम द साइड लेवर. इसमें साइड में एक लेवर होता है उसको हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं. प्रेस करने से वो स्टार्ट हो जाता है और दोबारा प्रेस करने पे वो एंड हो जाता है. तो इस तरीके से हम स्टॉप क्लॉक का यूज करते हैं. स्टॉप क्लॉक के बाद आपका आता है स्टॉप वॉच. ठीक है, स्टॉप वॉच क्या होता है, आपका स्टॉप क्लॉक से कुछ रिस्पेक्ट में क्या है, सम एडवांस है. सो हियर ऑल्सो इट इज रिटन दैट इट इज यूज टू मेजर टाइम टेकन इन एथलीट इवेंट और एनी अदर एक्टिविटी. इसका यूज हम एथलीट इवेंट में भी कर सकते हैं.
बिकॉज इट कैन मेजर 1/10 ऑफ द सेकेंड, सेकेंड के 1/10 पार्ट को भी ये मेजर कर देता है, मतलब सेकेंड से भी मिनिमम को, सेकेंड के भी अंदर जो होगा 1/10 पार्ट सेकेंड का, उसको मेजर करने के लिए हम आपका स्टॉप वॉच का यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप वॉच में आपका डिजिटल स्टॉप वॉच भी आती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टॉप वॉच कैन मेजर, जो डिजिटल वाला होता है, जो डिजिटल स्टॉप वॉच होती है, नेक्स्ट पेज आगे पेज टर्न करोगे तो स्टॉप वॉच के बारे में आएंगे, डिजिटल स्टॉप वॉच के बारे में। जो सिंपल स्टॉप वॉच होती है वो 1/10 सेकेंड के 1/10 को मेजर करता है, बट जो आपका डिजिटल स्टॉप वॉच होती है वो सेकेंड के 1/100 पार्ट को भी मेजर कर देता है, इतने छोटे टाइम को भी मेजर कर देता है। तो ये आपका इस तरीके से का मींस, जो आपका डिजिटल स्टॉप वॉच है वो आपका 10 टाइम एक्यूरेट मेजरमेंट करता है आपका, जो आपका सिंपल स्टॉप वॉच होती है या मैनुअल स्टॉप वॉच होती है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, सो दिस दैट इज योर हाउ वी कैन मेजर द स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच यू कैन सी हियर इज ऑल्सो, यहाँ पे आपके स्टॉप वॉच है, बट ये आपका मैनुअल स्टॉप वॉच है, मैनुअल स्टॉप वॉच। और डिजिटल स्टॉप वॉच जो होता है सम एडवांस होता है, ठीक है, वो अभी आपके हमारे पास यहाँ पे नहीं है। सो आप बाय द यूज ऑफ इंटरनेट, आप इंटरनेट में फाइंड आउट कर सकते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच के बारे में। नेक्स्ट है आपका वॉच। वॉच भी एक डिवाइस है जिससे आप क्या कर सकते हो, टाइम मेजर कर सकते हो। ठीक है, इट इज आप टाइम मेजरमेंट में क्या लिख सकते हो, इट इज पोर्टेबल एंड वर्न ऑन रिस्ट, मीन्स आपको ये पोर्टेबल होता है, छोटा होता है, इसको आप रिस्ट में बांध लगा सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिखा रखा है। इट कैन नॉट मेजर द लेस देन अ सेकेंड, बट इसकी डिसएडवांटेज है कि ये आपका टाइम को सेकेंड से कम मेजर नहीं कर सकता। सेकेंड से कम मेजर करने के लिए आपको स्टॉप क्लॉक का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, बट इट डज नॉट मैटर इन नॉर्मल रूटीन, बट नॉर्मल रूटीन में आपका ये क्लॉक हम यूज करते हैं, आप देखते होंगे सबके सब आपका वॉचेज यूज करते हैं, और ये आपका डिजिटल फॉर्मेट में भी आती है और मैकेनिकल फॉर्मेट में भी आती है। ठीक है, आफ्टर दैट है आपका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट हेडिंग, टाइम मेजर्ड थ्रू द एजेस। थ्रू द एजेस मीन्स कि एज टाइम के साथ साथ आपका टाइम मेजरमेंट कैसे करके चेंजेस हुए हैं। तो उसने बोला है, इन स्पोर्ट्स एंड लेबोरेटरी वी आर रिक्वायर्ड टू मेजर द इंटरवल ऑफ टाइम फॉर विच वी यूज स्टॉप वॉच एंड स्टॉप क्लॉक, कि हमको स्पोर्ट्स या लेबोरेटरी में टाइम इंटरवल को मेजर करना पड़ता है, सो इसके लिए हम स्टॉप वॉच या स्टॉप क्लॉक का यूज करते हैं। स्टॉप वॉच एंड स्टॉप क्लॉक कैन बी स्टॉप्ड एंड स्टार्ट इन आवर ओन विल, बिकॉज हम क्या कर सकते हैं, इन स्टॉप वॉच या स्टॉप क्लॉक की हेल्प से हम टाइम को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसको स्टॉप कर सकते हैं, तो इसलिए हम इनका यूज यहाँ करते हैं। आवर वॉचेस, बट हमारा जो वॉचेस होती है कैन रिकॉर्ड द टाइम इन सेकेंड, वो सिर्फ सेकेंड मिनट और आवर में ही क्या कर सकता है, टाइम को मेजर रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि जो आपका वॉचेस हैं वो आपका सिर्फ मेजर करता है मिनिमम सेकेंड को, बट कुछ सर्टेन एक्टिविटी में हमको और एक्यूरेट टाइम की जरूरत पड़ती है, इसलिए कुछ एक साइंटिस्ट भी यूज करते हैं वॉचेस को, जो वो ज़्यादा क्या होती है, ज़्यादा परफेक्ट होती है, ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देती है 100 फ्रैक्शन तक। 100 मीन्स ये जो 1/100 टाइम्स एक्यूरेट करती है, सेकेंड का 100 टाइम तक करती है। ठीक है, जो एथलीट होते हैं वो भी उसका यूज करते हैं, एज लाइक आपकी ये डिजिटल क्लॉक हो गई है, डिजिटल वॉच होती है जो आपकी, उसको बोल सकते हैं आपका। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आफ्टर दैट यू कैन सी दैट इन नेक्स्ट पेज दैट मॉडर्न क्लॉक आर वेरी एक्यूरेट। जो मॉडर्न क्लॉक है, ये जो आपके देखते हैं डिजिटल क्लॉक बोल सकते हैं हम आपकी, वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। दे आर इलेक्ट्रॉनिक नेचर इन नेचर एंड साइंटिफिकली रिक्वायर्ड इवन मोर एक्यूरेट टाइम कीपिंग डिवाइस। दे आर ऑटोमेटिक क्लॉक दैट आर एक्यूरेट इन 10th million ऑफ द सेकेंड। जो 10th जो और ज़्यादा परफेक्ट होती है वो 10th million ऑफ सेकेंड भी रिकॉर्ड कर सकती हैं। ठीक है, तो आपकी इतनी एडवांस टाइप की वॉचेज भी आ गई हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, सो जो हमने पढ़ा, हम बोल सकते हैं कि दैट्स अबाउट योर टाइम मेजरमेंट।
कि टाइम मेजर करने के लिए हमारी यूनिट्स जो टाइम मेजरमेंट है उसमें हमारा क्या हो सकता है कि हम अलग अलग यूनिट सिस्टम का यूज कर सकते हैं, सेकेंड मिनट एंड आर। एंड अभी हमने हमने आपका पढ़ा कि जो डिफरेंट डिवाइस है वो किस तरीके से किस टाइप के टाइम्स को मेजर कर सकता है, लाइक आपका स्टॉप क्लॉक कैसे मेजर करता है, लाइक आपका वॉचेस कैसे मेजर करती है, लाइक आपकी अदर टाइप की डिवाइस कैसे करके मेजर कर रही है टाइम टू टाइम। आफ्टर दैट जो आपका नेक्स्ट है ये है, कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसमें आपके, लाइक 2 आवर एंड 20 मिनट्स को हम मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। अब 2 आवर में मिनट निकालने, क्योंकि 20 तो पहले से ही मिनट में है, तो 2 आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 2 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे एज हियर। तो यू कैन सी दैट 120 मिनट हो गए। अब 120 में प्लस 20 मिनट और प्लस कर देंगे तो ये आपका 140 मिनट जाएगा। तो ये आपका टाइम जो है मिनट से, सॉरी आवर्स में से मिनट में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर सेकेंड से मिनट में चेंज करना है तो सेकेंड से मिनट में चेंज करने के लिए आप 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका मिनट बन गया। तो इस तरीके से आप मिनट्स को आवर्स में या आवर्स को मिनट में चेंज कर सकते हैं या सेकेंड को मिनट में चेंज कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके न्यूमेरिकल, ठीक है। आफ्टर डेट जो है आपका वो है कि आपका जो 12 आवर का टाइम होता है, जो आपका टाइम पीरियड होता है टोटल 1 डे का, वो 24 आवर्स का होता है। तो हम 24 आवर्स को हम कैसे रीड करते हैं, रीडिंग ऑफ 24 आवर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ बोला गया है द क्लॉक और अ वॉच यूज बाय इस अवर डेली लाइफ इज अ 12 आवर क्लॉक। जो आपका वॉचेज होती हैं, जो आपकी क्लॉक होती हैं डेली यूज वाली, वो आपको 12 आवर वाली क्लॉक होती है, ठीक है। बट हम जानते हैं कि हमारे जो डेज में होते हैं पूरे होल डेज में 24 आवर्स होते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि वो जो 12 आवर वाली क्लॉक होती है वो टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। उस 2 पार्ट्स को हम बोलते हैं एंटी मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन। ध्यान रखना, एंटी मेरिडियन मीन्स AM एंड पोस्ट मेरिडियन मीन्स PM। तो जो आपका मिडिल का 12 क्लॉक होता है नाइट के 12 क्लॉक से, ध्यान रखना नाइट के 12 क्लॉक से 12 नून तक, सॉरी डे के 12 क्लॉक से नाइट के 12 नून तक वी यस बेटा डोंट मेक सो यू कैन सी दैट फ्रॉम 12 क्लॉक एट नाइट, रात के 12 क्लॉक से टिल 12 नून, जो दिन का 12 नून तक है उसको हम AM बोलते हैं, वी यूज AM, ठीक है। बट 12 नून के बाद, जो दिन के 12 नून के बाद, जो अभी का 12 नून है उसके बाद नाइट के 12 क्लॉक तक हम PM यूज करते हैं, पोस्ट मेरिडियन। तो मीन्स जो अभी का 12 क्लॉक होगा उससे प्रीवियस, जो अभी का 12 क्लॉक होगा उससे प्रीवियस को हम एंटी मेरिडियन बोलेंगे, और अभी के 12 क्लॉक से नाइट के 12 क्लॉक को पोस्ट मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमने 7:30 AM जब हमारी स्कूल खुलती है तो उसको AM बोलते हैं, क्योंकि वो मॉर्निंग के टाइम का 12 है, 12 से दिन के टाइम का 12 है, ठीक है। और वो मॉर्निंग का हो गया, और आपका 4:30 PM होगा तो इवनिंग का होगा। सो इस तरीके से आपका टाइम मेजर होता है आपका डेट पूरे ओल्ड डेज में। बट इन मेनी केसेस, बट बहुत जगह क्या होता है आपका 24 आवर क्लॉक यूज होता है। एज लाइक आप ट्रेन या फ्लाइट में देखो, आपके अगर पेरेंट्स में या कोई फैमिली में ट्रेन से या फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं तो उनका 24 आवर का टाइम मेजरमेंट होता है। लाइक वो बोलते हैं कि जैसे आप एग्जाम्पल देखा, फॉर एग्जाम्पल अ ट्रेन लीव्स डेली टू मुंबई एट 15:30 आवर्स। 15:30 आवर्स में क्या करोगे आप, ध्यान रखना जो 15 है वो 12 के बाद आता है, तो 12 आवर तो दिन तक का हो गया आपका, और उसके बाद का जो होगा वो इट मींस ट्रेन 3:30 PM में होगा, क्योंकि 12 आवर्स तक तो आपका दिन का हो जाता है, ठीक है। 12 आवर के बाद 1 o'clock को हम 13 बोलेंगे, फिर 14 को हम बोलेंगे 2 o'clock, ऐसे ही 15 जो आएगा वो 3 o'clock बन जाएगा, तो 3:30 PM हो जाएगा आफ्टरनून का। 12:30 आवर्स का मीन्स हो गया 3:30 PM, क्योंकि 12 o'clock तक आपका नून हो गया, नून के बाद 13 मीन्स होता है 1 o'clock, फिर 14 मीन्स होगा 2 o'clock, फिर 15 मीन्स होगा 3 o'clock, तो 3:30 है ये।
क्योंकि 15:30 लिखा है। सिमिलरली एक और लिख रखा जैसे आपका कि दिल्ली से बैंकॉक फ्लाइट जा रही है 1:15, तो 1:15 मीन्स होगा 1:15 AM मॉर्निंग का। तो इस तरीके से हम 24:00 इज देखो, तो इसलिए क्या करते हैं, जो ये फ्लाइट सिस्टम में है, चाहे ट्रेन हो या फ्लाइट में है, इसमें वो एएम और पीएम से कन्फ्यूजन से बचने के लिए वो क्या करते हैं, उसमें 24 आवर का क्लॉक यूज करते हैं। अगर आपके पास 24 आवर वर्ल्ड द सिस्टम इज प्रैक्टिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आप कहीं भी जाओगे कंट्री में तो ये 24 आवर का ही सिस्टम चलता है वहाँ, ठीक है। अगर आपके कहीं पे कन्वर्ट करने के लिए आ जाए लाइक दिस वन कि कन्वर्ट 1645 इन 12 आवर, तो 12 आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप माइनस करोगे, 12 से माइनस कर देना उसको, कि 12.00 से 16.45 को माइनस करोगे, हाँ, तो यहाँ से आपका ही कन्वर्ट हो जाएगा। सो माइनस करोगे उसके साथ आपका ये आंसर आ जाएगा 4:04 PM इवनिंग। सिमिलरली जैसे आपका ये 22:30 है, इसको कन्वर्ट करना है आपको 12 आवर में, तो इसको फिर से क्या करोगे आप, माइनस करोगे, ठीक है। तो ये कन्वर्जन है आपके, कैसे करके हम कन्वर्ट करोगे। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आएंगी तो आप मुझे नेक्स्ट मीटिंग में आप पूछ सकते हो दोबारा, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप इस टाइम मेजरमेंट को, टाइम को कैसे मेजरमेंट किया जाता है इसको आप रीडिंग करिए घर पे, अगर कुछ भी समझ में आएगा तो मुझे बताना, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों।